मध्य प्रदेश के छतरपुर में वार्ड नंबर 30 और 31 में डेंगू से महिला मरीज की मौत होने के बाद मातम पसर गया। डेंगू से मौत का मामला सामने आते ही मलेरिया विभाग एक्शन में आया और जांच टीम को गठित कर मौके पर भेजा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र के लोगों का सैंपल एकत्रित किया और लोगों को बचाव की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। मृतका के परिजन रामचरण बसोर ने बताया कि महिला को इलाज के लिए संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने लगभग 3 घंटे उपचार के बाद मरीज की हालत बिगड़ने पर झांसी के लिए रेफर कर दिया, जहां झांसी में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। मैंने वहाँ से उन्हें कर दिया, हमने की उन्हें रेफर कर दिया, ऑक्सीजन लगा कर झांसी लगा दी। झांसी से मैंने उन्हें भर्ती किया, आध घंटे का पैसा कल ले लिया उन्हें 30,000 रुपया और आध घंटे के बाद उनकी खत्म हो गई, आप ले जाइए। आज वार्ड नंबर 30-31 में जो है हमारे विभाग को सूचना मिली थी कि यहाँ किसी को डेंगू निकला है, तो डेंगू के केस की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है इसकी हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन ये था पता कि डेंगू निकला है, तो हमारे विभाग की टीम यहाँ पे लार्वा सर्वे कार्य हेतु आई है, आदमियों को जागरूक कर रही है कि घर के अंदर साफ पानी ज्यादा दिन का ना रखें।